उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग-अलग राज्यों में कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिले के डीएम को सख्त आदेश दिए हैं कि कोई भी गरीब असहाय व्यक्ति रोड पर सोते हुए ना दिखे, और अगर कोई भी रोड पर सोते हुए दिखा तो सम्मान के साथ उसे रैन बसेरे में लाया जाए। जिसको लेकर उन्नाव जिलाधिकारी अपूर्व दुबे ने जिले भर के रैन बसेरे को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया है। सर, नगर पालिका परिषद उन्नाव में कितने रैन बसेरे संचालित है और अलाव की कहाँ कहाँ व्यवस्था की गई है? सारे प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करी गई है। अस्पताल हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, हर जगह हमारे अलाव पिछले 15 दिनों से ही लगातार वहाँ पे अलाव जल रहे हैं। 7 तारीख से ये व्यवस्था हमारी सुचारू रूप से चालू है। उसके अलावा हम लोगों ने 2 अस्थायी रैन बसेरे और 1 स्थायी रैन बसेरा, जो एक रीडिंग क्लब में और 1 किले पर, और स्थायी रैन बसेरा मेरा एबी नगर वार्ड में कॉलेज रोड पे लगातार बना हुआ है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।